दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही गजब होने वाला है। आज के वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि आपकी मशीन की एक नॉर्मल स्पीड कितनी होनी चाहिए, ऐसी स्पीड जिस पर मशीन भी ख़राब ना हो, आप भी परेशान ना हो, कोई पुर्जा भी नहीं टूटे। तो ऐसा ही एक केस लेके आया हूँ मैं, बहुत ही अच्छी है। आपको मशीन स्लो स्पीड में चलानी चाहिए, आपको मशीन फास्ट में चलानी चाहिए, या आपको मशीन किस नंबर पे चलानी चाहिए, कितने आरपीएम पे चलानी चाहिए, उसके बारे में बताएंगे। इस वीडियो को छोड़ना नहीं है, वीडियो को और एक बार समझ नहीं आया दो तीन बार देखना है, और चैनल को सब्सक्राइब तो करके ही जाना है, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक मज़ा नहीं आया। फटाफट कर दो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर दो, शेयर कर दो और वीडियो देखो जिससे आपकी मशीन चलती रहे। धन्यवाद भाई साहब। इस वीडियो के अंदर मैं आपको मशीन की वो आइडियल स्पीड के बारे में बताने वाला हूं जिस स्पीड पे आपकी मशीन में प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपको भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि अगर मशीन ठीक है ना तो अगर मरीज ठीक है तो डॉक्टर के पास तो जाना ही नहीं है, डॉक्टर वैसे आराम में रहेगा। तो अरे कहना क्या चाहते हो, तो चलिए आपको बताते हैं कि मशीन की आइडियल स्पीड क्या होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं बताऊं, अपना परिचय दे दूं, तो मुझे तो आप जानते ही हैं, बहुत तेज हो रहे हैं, मेरा तो आपको परिचय पता ही है। लेकिन जहां पर हूं उसके बारे में बता दूं, भाई मैं हूं त्रिपुरा के अंदर। अब त्रिपुरा में कौन सा शहर है, कौन सा जगह है, उसके बारे में हमारे अंकल जी ने थोड़ा गुप्त रखने के लिए कहा है, तो इसको रखते हैं गुप्त। कहां पे इतना समझ लिए, त्रिपुरा में है। और मेरे साथ है हमारे अंकल जी हैं, अंकल जी ने मशीन लिया है। अंकल जी आपका नाम क्या है? सुशील शर्मा। अंकल जी ने मशीन लिया कम से कम 7-8 महीने पहले लिया था, तो ये अंकल जी ही मशीन को चलाते हैं। कंट्रोल कंट्रोल। हुआ क्या था, हमारी पॉलिसी रहती है कि आप हमें एक साल में 2 बार कभी भी बुलाइए। क्या माहिला, तो ये मशीन चला रहे थे, इन्होंने स्पीड तेज कर दी, तो स्पीड तेज होने की वजह से, स्पीड ज्यादा तेज होने की वजह से इसका कटर तोड़ लिया इन्होंने। ये देखिए ये कटर है ना, जो क्यों टूट गया कटर, ये जो चैन है ना उसके अंदर फंस गई कटर के अंदर, और इन्होंने मशीन को चला दिया, घुमा दिया, तो ये कटर टूट गया। ये देखिए यहां से, अब इनके पास नहीं है यहां पर व्यवस्था कटर को घिसने की, कुछ भी ना बांक है और ना ग्राइंडर है, तो इन्होंने मुझे कॉल किया तो मैं आ गया तुरंत, फटाफट 2 मिनट के अंदर चलाया, क्योंकि भाई हमारी पॉलिसी है कि हमारे चक्कर में किसी का काम नहीं बिगड़ना चाहिए। तो हमारा क्या है, हम तो ऐसे ही भाई बस फ्री सेवा के लिए पैदा हुए हैं, तो इन्होंने बुलाया और मैं आ गया। चीटिंग करता है तू। इसके बाद क्या करना है इसमें, मैंने इनको नया कटर दिया बना के, इधर आप देख रहे हैं कार्बन, ये सीएनसी वाला कार्बाइड का बना के दिया, सलाई बफर भी नया डाल के दिया और मशीन को चालू करके इनको समझा के दिया कैसे चलाना है मशीन। और इसके अलावा इनको ये सर्विस इसलिए मिल सकी क्योंकि इन्होंने यहां से मशीन खरीदी, इससे मशीन खरीदी, इस कंपनी से। अगर ये इन्होंने ली होती किसी और से, ये देखिए इससे खरीदी, अगर इससे नहीं खरीदी होती तो इनको भी फिर ये बंद ही पड़ जाती मशीन, फिर कोई मतलब ही नहीं है कि मशीन चल जाए, क्योंकि जब आप सर्विस नहीं दोगे, बंदूक दे दी उसका, उसका बारूद नहीं दिया, गोली नहीं दी, उसकी चलाने की ट्रेनिंग नहीं दी, तो मशीन कहां से चलेगी। तो अभी अंकल जी ने निकाल लिया चैन, ये यहां पे कैस्ट्रोल कर दिया है, ये देखिए कितनी बारीक चैन है और कितनी सुंदर चैन बनाई है इन्होंने। इसके बाद यहां पर अब ये कराएंगे सोल्डिंग, तो ये सब कुछ इनको बता रखा है, ये अपने आप कर लेते हैं। ये देखिए इनको सब कुछ बता रखा है, सिखा रखा है, और फिर भी कोई दिक्कत है तो आप फिर बुला सकते हैं, इनको बता दिया हमने। अब मैं आपको दिखाता हूं कि आपको मशीन की स्प्रिंग स्पीड कितनी रखनी है, ठीक है। और ये तो बता ही दिया कि अगर आपको मशीन खरीदनी है तो सिर्फ और सिर्फ यहां से खरीदिए, यहां से देखिए यहां से खरीदिए, ठीक है। नहीं खरीदोगे तो भाई आप कंपनी का कोई घाटा नहीं, आपका नुकसान है, आपका काम नहीं चलेगा गारंटी से, क्योंकि वो सर्विस नहीं देते, हम सर्विस देते हैं, अदर लोग नहीं देते हैं, यहां से सर्विस मिलती है पूरी। तो ये यहां से कर दी चालू, अब देखिए तो इसकी आइडियल स्पीड इतनी रखनी है आपको, ठीक है। 170 से लेके 180 तक चला सकते हैं, 160 से 170 तक, ये देखिए इससे ज्यादा नहीं चलानी है, इससे ज्यादा आप चलानी नहीं है, ये सबसे बेस्ट स्पीड है और इतनी ही काफ़ी है आपके लिए, क्योंकि इससे ज़्यादा दौड़ाओगे तो थोड़ा बहुत फिर चैन वैन टूटने का और झंझटबाजी, फिर दिक्कत आ सकती है। तो दोस्तों बताइए हमारा काम कैसा लगा, और ये आप ध्यान कर लीजिए 170 से ऊपर मत भगाइए, मत दौड़ाइए, अगर आप थोड़े एक्सपीरियंस वाले हो चुके हो, 160 से 180 के बीच में ही रखनी है मशीन की स्पीड।
ठीक है, अभी अंकल जी चैन रख दिया वहां पे, अंकल जी करेंगे सोल्डिंग इस मशीन पे और इनको सारा काम सिखा दिया, सारा काम। अंकल जी पूरा काम आ गया? अरे खिलाड़ी हो चुके हैं खिलाड़ी। ठीक है, थैंक यू।